इंडिया फास्टेस्ट चार्जिंग स्मार्टफोन MI 11i एंड 11i हाइपर चार्ज। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये इंडिया एक्सक्लूसिव होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पहले चाइना एक्सक्लूसिव था, अब MI की ब्रांडिंग में ये इंडिया एक्सक्लूसिव बन जाएगा। मतलब अगर ये चाइना का शक्तिमान है तो इंडिया का गंगाधर है। ये नवंबर 2021 में हुआ था चाइना में लॉन्च, अब 2022 जनवरी में इंडिया में लॉन्च होगा। ये बेसिकली 2 महीने बाद हमको देखने को मिल रहा है और ये बहुत ही कमाल की सीरीज है, जहां पे मनु कुमार जैन ने कल ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि ये 6 जनवरी को लॉन्च होने जा रही है, मतलब MI 11i 5G सीरीज। अब ये जो है इसमें आपको इंडिया की फास्टेस्ट चार्जिंग स्पीड देखने को मिलेगी, इसीलिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है हैशटैग हाइपरचार्ज रेवोल्यूशन। हमने MI 11 सीरीज और Redmi Note 11 सीरीज के बारे में बहुत सारी बातें कर ली हैं, बट कुछ और करनी पड़ेंगी क्योंकि हमको ये देखने को मिलने वाली है 6 जनवरी को, और यहाँ पे इसके बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि ये मुझे लगता है कि जिस प्राइस रेंज में आएगी उस प्राइस रेंज में सच में रेवोल्यूशन ला देगी, नॉट ओनली फॉर चार्जिंग डिपार्टमेंट। ये सभी स्पेसिफिकेशन के लिए मैं ऑलराउंडर बातें कर रहा हूँ, जैसे हमको Redmi Note 10 सीरीज देखने को मिली थी। वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आया, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और शेयर कर देना सब्सक्राइब। तो सबसे पहले तो अगेन मैं आपको बता दूं कि MI 11i जो है वो Redmi Note 11 Pro है और 11i Hypercharge जो है वो Redmi Note 11 Pro Plus है, क्योंकि Xiaomi को ना चाइना का दूसरा Apple कहा जाता है, चाइना के लिए Apple ना Xiaomi है, क्योंकि Apple के बाद Apple की चीजों की सबसे ज्यादा कॉपी करता है ना कोई, वो Xiaomi ही है। तो यहाँ पे वही iPhone 12 और 13 वाला डिजाइन हमको देखने को मिलेगा, स्क्वायर एजेस और इसी के साथ ग्लास फिनिश है बैक में, और ये ग्लास फिनिश नहीं है, सच में ग्लास ही है क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए मैंने कंफर्म कर दिया आपको। और दोनों ही फोन्स में आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ आपको ड्यूअल स्पीकर देखने को मिलेंगे, और वो भी ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स ट्यून्ड बाय JBL। तो मतलब आपको JBL ट्यून्ड स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं इस प्राइस पॉइंट में, जो बहुत ही कमाल की चीज है। और अब मैं बढ़ता हूं Redmi Note सीरीज की सबसे खतरनाक ब्यूटी की, जो 10 में भी थी और यहाँ पे MI 11i आने वाला है। बेसिकली यहाँ पे Redmi Note सीरीज में नहीं गिन सकते इसको, लेकिन आप वैसा ही समझो DNA वही Note सीरीज का है। तो डिस्प्ले की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको फ्लैट एजेस में इसका जो लुक देखने को मिलेगा ना, वो बहुत ही एनहांस कर देने वाला है। इसी के साथ 6.7 इंचेस की सेंटर पंचोल फुल HD प्लस 1080p 120Hz सुपर एमुलेट पैनल है। ये काफी लंबी सी एक टेक्निकल लाइन है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। बेस्ट कॉन्ट्रास्ट, इसी के साथ बेस्ट कलर्स, बेस्ट रिफ्रेश रेट, सब कुछ मतलब ऑन टॉप मिलेगा आपको। और ये प्रोटेक्शन में भी बहुत ही कमाल की चीज है, स्मार्टफोन प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ आपसे। यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, जो अभी के लिए सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे आपको 1200 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, हार्श लाइटिंग में भी नो इश्यूज एट ऑल। और इसी के साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, क्योंकि Xiaomi इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं प्रोवाइड करता है कोस्ट कटिंग के लिए यहाँ पे नोट सीरीज में और MI की इस वाली सीरीज में। और उसके बाद बात करूं इसके कैमरा डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिलेगा, प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और जितना सब कुछ बता रहा हूं ना मैं, वो MI 11i और 11i हाइपरचार्ज दोनों के लिए सेम रहने वाला है, सारी चीजें बिल्कुल सेम है। और इसी के साथ 2 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो है, इतने बड़े बड़े नंबर खींच के मारे पहले और उसके बाद 2 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो, भाई सच में नंबर्स के साथ बड़ा ही धोखा कर दिया है। तीसरा कैमरा ये समझ लो किसी काम का नहीं है, बल्कि पिछली बार जो नोट 10 सीरीज के साथ 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर था ना, वो दी बेस्ट था। और इसी के साथ आपको इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद बात करूं मैं इसके पावर की, इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 920 देखने को मिलेगा। ये काइंड ऑफ लेटेस्ट प्रोसेसर आप बोल सकते हो MediaTek की तरफ से, 6 nm पे है और 2.5 GHz क्लॉक्ड है। 900 आपने सुना होगा जो Oppo Reno 6 में आता है, उससे 0.1 GHz ज्यादा क्लॉक्ड है, ऑलमोस्ट वैसी ही आपको पावर प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे MIUI 12.5 और Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स लेके आएगा। और Xiaomi की कुछ पुश्तैनी ब्यूटीज जो ऑलवेज देखने को मिलती है, वो इसमें भी देखने को मिलेंगी, जैसे IR ब्लास्टर हो गया, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 हो गया, और इसी के साथ USB टाइप सी 2.0 हो गया, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, JBL ट्यून्ड, NFC, Wi-Fi 6, ये सारा मसाला आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब बात करूं बैटरी और चार्जिंग की, तो यहाँ दोनों फोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जैसा आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा, यहाँ पे आपको 11i हाइपरचार्ज होगा ना, 4500 mAh की बैटरी के साथ 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करेगा, और ये आपकी बैटरी को सिर्फ महज 15 मिनट में पूरा चार्ज कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंसेन अमाउंट की चार्जिंग है। और उसके बाद जो MI 11i नॉर्मल वाला होगा ना,
वो 5160 मिली एम्पीयर के साथ 67 वोट की चार्जिंग को लेके आएगा और ये 43 मिनट्स लेगा 0 to 100 होने में, क्योंकि बेचारा छोटा है ना। सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये 120 वोट की चार्जिंग पहली बार इंडिया में आ रही है। सच में ये बहुत ही कमाल की होगी और जब इसको टेस्ट करेंगे तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। इसकी अनबॉक्सिंग मैं पक्का करूंगा, उसके लिए डेफिनेटली आपको रुकना है। ये जो नोट सीरीज है ना, वो शाओमी की सबसे ज्यादा बिकने वाली सीरीज है। तो शाओमी यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने की ट्राई करता है, सबसे ज्यादा बेस्ट करने की कोशिश करता है और यहाँ पे 11i आ रहा है तो DNA उसी का है, क्योंकि चाइना की रिब्रांडिंग यहाँ पे इंडिया में आपको MI की ब्रांडिंग के रूप में देखने को मिलेगी, लेकिन ये बहुत बेस्ट होगा। इसके सामने आपको Redmi Note 11 सीरीज भी फीकी लगेगी कहीं ना कहीं, तो डेफिनेटली आपको इसके लिए वेट करना चाहिए। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि अगर आपका बजट है 20-25 हज़ार रुपए का, डेफिनेटली आपके लिए बहुत बहुत ही कमाल की डील होगी। और जो प्राइस है वो आपको 25,000 से नीचे नीचे देखने को मिलेगी दोनों फोन्स की, 20 to 25,000। तो बस यार, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में। तब के लिए।